हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। महेंद्रगढ़ के अंदर हैं हम, मालड़ा गांव जो है, मालड़ा बास और खुडाना जो है, यहां पर हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो है भीड़ है। अभी अभी यहां पर दीपक देवी जी जो 4 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हैं पार्षद पद के लिए, उनको यहाँ पर केलों के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी केले लेकर घूम रहे हैं फिलहाल, उनको अभी यहाँ पर तोला गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। किसको दे रहे हो वोट? दीपक देवी को। दीपक देवी को, दीपक देवी को क्यों दे रहे हो? क्या बात, बताओ बताओ। ये हमारा मानना जी, इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, क्या क्या चुनाव चिन्ह है? हमारे गांव की है, ठीक है। और जो अच्छा काम करेगी तो गांव का तो करेगी, हमारा ना सही गांव का तो होगा। हाँ, तो गांव हमारा ही है। हाँ, सही बात है, ठीक है। क्या क्या चुनाव चिन्ह है? सूरज। सूरज, अच्छा, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ जी भाई साहब, राम राम। हाँ जी, किसको समर्थन? प्रदीप को। प्रदीप को, प्रदीप मालड़ा। हाँ जी, तो पहले भी ये रहे हैं खास तौर पर जो पार्षद के पद पर ही। हाँ जी, किस तरह का कार्यकाल रहे? बढ़िया रहा जी। बढ़िया रहा। हाँ, आगे क्या उम्मीद करते हैं? हमारे गांव का जी, हम तो गांव को वोट देंगे जी। चलो, गांव पूरा वोट देगा। राम राम जी, क्या नाम है जी? कल्पना। कल्पना जी, किसको कर रहे हैं वोट? मैं प्रदीप का नाम से। प्रदीप? हाँ, प्रदीप को करेंगे। हाँ। अच्छा, क्यों करेंगे प्रदीप को? मतलब दीपक को कह लो, प्रदीप को कह लो, एक ही बात है। बढ़िया काम है, बढ़िया काम करा है। हाँ। इस वजह से। हाँ। चलिए। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? बढ़िया काम करा है प्रदीप जी ने। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया काम करा है हमारे लिए। ठीक ठीक, कुछ युवा भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, आपका वोट बन चुका है? नहीं, मेरा नहीं बना है। नहीं बना है? उम्र तो 18+ होगी होगी? नहीं, 17 है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और कौन है जी यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, ये क्या है? इधर दिखाओ, इसको इधर दिखाओ, कैमरे में दिखाओ। क्या बात है, ये वार्ड नंबर 4 के अंदर जो है। हाँ जी, दीपक देवी का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, दीपक देवी में ऐसा क्या है कि उनको वोट करेंगे जी? हमें तो बहुत कुछ लग रहा है। अच्छा। हाँ जी, पहले किया हुआ है, इसलिए हमें आगे भी विश्वास है पूरा काम होगा, पूरा सहयोग होगा। चलिए। हाँ जी, सभी की इच्छा पूरी होंगी, सभी का काम पूरा होगा। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है केले जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इधर ये केले जो है, केलों से तोला गया अभी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी हमारे साथ जो वार्ड नंबर 4 से मुख्य दावेदारी जिनकी है प्रदीप जी, इनकी हालांकि श्रीमती जो है दीपक देवी जी, उनकी उम्मीदवारी है। बाकी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे करते हैं बातचीत। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार भाई साहब जी, 4 नंबर में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? 4 नंबर मेरा पुराना वार्ड है, मेरा एक तरफा माहौल है, कोई बात नहीं समर्थन की जी, पूर्ण रूप से। आज केलों से भी तो लगे आपके अपने गांव में ऐसे प्रोग्राम, आज मेरे गांव के अलग अलग समाज के साथियों ने, जैसे अभी नायक समाज से जो मोहल्ला है इन्होंने किया है, अभी हरिजन समाज में है, फिर हमारी जो मुख्य रूप से हमारी एक धर्मशाला है जहाँ हमारे गांव के सारे फैसले लिए जाते हैं, उस धर्मशाला में प्रोग्राम है, फिर पंचायत घर में है उधर, तो 5-6 जगह प्रोग्राम आज इस तरह प्रोग्राम पूरे गांव का समर्थन। तो भागदौड़ चल रही है बस? भागदौड़ बस ये है कि मैं तो क्या भागदौड़ कर रहा हूँ, पूरा गांव ही कर रहा है। मैं तो जो बाहर के गांव है वहाँ कोशिश कर रहा हूँ और पूरा गांव का समर्थन है, इसीलिए मैं गांव में आज मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, पूरा गाँव लग रहा है। मैं तो गाँव में सच्चाई है कि आपकी बताऊँ, मैं जैसे बाहर वार्ड बड़ा है इसलिए बाहर लोगों से संपर्क में था, आज आया हूँ और आज देखा तो मैं खुद अभिभूत हूँ, पूरा गाँव ही मतलब पहले से ही मेरे जाने से पहले। वार्ड 4 के अंदर है बेरी से बसई तक जी, एक बार कुछ अपने जो गांव है इनके नाम बताएंगे हमारे दर्शकों? हमारे जो जैसे शुरुआत होता है बसई से जी, एक नंबर पे बसई है, फिर बवाना है। अच्छा। मालड़ा सराय, मालड़ा बास, लावन और झूक, उसके बाद माजरा कलां, माजरा खुर्द, बुचोली, डुलाना और उसके बाद शीतलांग, देवास, ऊंची बांडोर, फिर देवनगर, चामदेड़ा, नीची बांडोर और बेरी। तो मतलब ये जो पूरी बेल्ट है, ये हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो आप बताएं कौन बनेगा पार्षद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, एक और विशेष बात कि पहले भी आप पार्षद रहे हैं जी, पहले किस प्रकार के कार्य किए हैं और आगे क्या योजनाएं? कौशिक साहब, पूरे वार्ड में
हर जगह जहां मैं पहुंच सकता था वहां पहुंचा हूं, चाहे कोई भी गांव हो। जो ये सच्चाई है कि जितनी मेरी इच्छा थी मैं उतना सेवा नहीं कर पाया, उसके कुछ कारण रहे। एक तो बीच में कोरोना आ गया, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, पिताजी बीमार हो गए, फिर उनका देहांत हो गया था। बीच में 2 साल तक मैं खुद डिस्टर्ब रहा कोरोना और पारिवारिक वजह से, लेकिन उसके बाद भी पूरे जिले के अन्य वार्डों की किसी वार्ड से तुलना कर ली जाए, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, ये तो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। दूसरी और अन्य प्रत्याशी कई झूठ फैलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक बहन खड़ी है बसई से, वो ये कहती है कि हम जिला प्रमुख बनेंगे। उस बहन जी को ये बताना चाहिए कि जिला प्रमुख पुरुष, SC पुरुष की सीट है, अच्छा, ना कि SC महिला की। और अब की बार सरकार ने कंडीशन कर दी, पुरुष और महिला की सीट एक दूसरे पे एनक्रोचमेंट नहीं है, पुरुष पे पुरुष लड़ेगा, महिला पे महिला लड़ेगी। जैसे मेरे भाई हैं, अच्छे साथी रहे हैं, बेरी सिंह जी खड़े हैं, वो भी एक दो बातें कही हैं, लेकिन कारण क्या, राजनीति में झूठ अब सब बच्चे समझने लगे, सब साथी, सब युवा, सब बुजुर्ग समझने लगे हैं झूठ नहीं। सच्चाई ये है कि पूरे ज़िले में ऑन रिकॉर्ड मेरे वार्ड से ज़्यादा अगर किसी भी वार्ड में पैसा लगाओ तो मैं उस बात का जवाबदार हूँ, पूरे वर्ल्ड। मैं इवन बेरी गांव, जिस गांव से मेरे भाई लड़ रहे हैं, उस गांव में भी मैंने 80 लाख रुपए लगाए हैं। क्या हुआ? मतलब आपने काफ़ी कुछ काम करवाया मेरे गांव, मेरे गांव मालड़ा में मैंने, देखो बेरी को ज़्यादा काम करवाया, फिर भी मालड़ा में कम करवाया। जैसे मालड़ा सराय पंचायत में 62 लाख रुपये लगा पाए और मालड़ा बास पंचायत में उससे भी कम लगा पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि वो सारे गाँव अपने थे। जैसे लावन गाँव है, झूक है, सारे गांव, मतलब जो अपन कर पाए। लेकिन मैं मेरे काम से इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ, जिस समय कम मिल पाया 2-3 साल डिस्टर्बेंस की वजह से, और जो कमी आ रही उनको 100% पूरा करेंगे। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं चुनाव चिन्ह और टेबल नंबर क्या है? हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो उगता हुआ सूरज का है और ये बैलेट पेपर में 3रे नंबर पर इसका स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी वार्ड नंबर 4 से जो उम्मीदवारी जिनकी है, दावेदारी जिनकी है, प्रदीप मालड़ा जिनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, दीपक देवी, उनसे हमारी मुलाकात हो रही थी और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो भी खड़े हैं, इनसे भी करेंगे बातचीत। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी। तो प्रदीप मालड़ा का सपोर्ट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, मिलता हूँ उसका था जी पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरा मतलब आपका समर्थन रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी बहुत महिलाएं यहाँ पर जिनसे हमने आपकी बातचीत कराई, प्रदीप जी से हमने आपकी बातचीत कराई, आपको कैसा लगा ये हमारी जो कवरेज थी? प्रदीप मालड़ा को यहाँ मालड़ा गाँव के अंदर आज केलों से तोला गया है, वो डोर टू डोर अपना जो है ना मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।